भाई तो देखो ये पूरी ब्लैक आइस है। ओए 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 बीर ओए इतनी स्नो पड़ी है कल यहाँ पे। सो हाँ जी गाइस वेलकम टू द चैनल। बाय शेल्बी। बाय तो बोल दे। भाव ही नहीं दे रहा। चल मैं जा रहा भाई। सो हाँ जी गाइस वेलकम टू द चैनल और ये हमारा है फर्स्ट व्लॉग। स्टोरी दे देता हूँ थोड़ी कि कहाँ से हमने व्लॉग बनाने का सोचा। सो बेसिकली हम घूमते बहुत थे लाइक महीने दो महीने में एक आधा ट्रिप निकाल ही लेना। और जो हमारे साथ होता है जो नेक्स्ट लेवल चीज़ें हमारे साथ होती हैं हमने नहीं सुना कि किसी के साथ हुई हो, तो इसी करके हमने ब्लॉग बनाया ये। तो रिक्वेस्ट है यार अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना। तो अब हमारा ये ट्रिप हम आज जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं मनाली सिसु मे बी कसौल डिपेंडिंग ऑन द वेदर और हम कितने दिन हैं वहाँ पे अभी हमारा ऐसे वो डिसाइडेड नहीं है। हमारा कल ही प्लान बना था और हम आज निकल चुके हैं रात को। तो लेट्स सी तुमको बताएंगे सारा। अब हम निकल चुके हैं अपने दोस्तों को पिक करने, तो चलो मिलते हैं अब दोस्तों के पास। एक ये देख लो इसकी तो बहुत दिखेंगी तुमको शक्ल देख लो। एक है अपना ये रमन भाई, जेपी भाई। ये एक ऐसे बंदे होते हैं जो आते हैं बाद में बोल देते हैं हमने आना नहीं। हंसी देखी उसकी। I'm so pretty now. God, you can't चुप। बिल्कुल चुप। और ये हमारे सन्नीत भैया और ये हमारे यूके वाले स्टार बॉय है तू। बाकी अपनी दो गाड़ियां हम निकल रहे हैं मनाली के लिए। सिस्टम दिखा दे रोक रखी गाड़ियां। ये देखो वो बंदा रुक रखा कह रहा पहले जाओगे तभी निकलोगे हम। सिस्टम भाई साहब। हाँ जी सिस्टम पार्ट रख के भाइयों। भाई ने बैग मार दी। बैग नहीं मार दी मतलब वो जोवन टोपी था मोशन सिकनेस से। जोवन एक बार इंडिया का मैच है बॉलिंग ग्राउंड चला पजी क्या ये क्या कर रहा है भाई। भाई अभी क्या हुआ भाई पूछ रहा है ऐसे करके मेरे भाई ने ये भाई ने कच्चे नाल भाई पार दिया बाल में कह रहा मैं तो घर से फटा हुआ डाल के आया था। कहने भाई रास्ते में कह रहा 20,000 रुपए का ठेला खोला मैंने। भाई एक काम कर ये ठेला तो तेरे को ये ठेला तो मिल ही गया बस फिर इधर ही छोड़ दे इसको। बस कर तू तो ब्लॉगर सीरियस हो गया ब्रो। तुम लोग का होगा कितनी बर्फ है हेलो ब्रो और उधर तक बर्फ है और ओरे ला भाई बर्फ ला किधर है किधर है। तो रुको जरा सबर करो। तो अभी मनाली के रास्ते में आए हैं। सेम टॉमी ये रिलैक्स आ बच्चा मेरा खन्ने खन्ना लैब जी। गाइस हम पहुंच गए सलांग और अब हम जा रहे हैं सिसु को। ब्रो रात का ट्रैवल ना बढ़िया सी ना अपन सारे ने बहुत साथ दिया मतलब अपन सारे जागते रहे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਪਰ ਅਬ ਜਦ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰੋ ਸੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਿਓ ਆਪਾਂ ਠਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਅਭੀ ਸਿਸੂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਊ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਗਾਇਜ਼ ਅਭੀ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ अभी तो हम सोलांग पहुंचने वाले हैं एक बार प्रॉपर व्यू दिखाऊंगा। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सोलांग अभी और अभी ये आप नज़ारा देख सकते हैं। नज़ारा नहीं बर्फ गाड़ियां सारी तो लग रही मेरे को अपनी तो निकल जाएगी। ओए 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 बीर ओए भाई अपनी एक्सयूवी तो रह गई नीचे यो भी फिसलता फिसलता ही आ रहा भाई।
हम तो ऊपर तक गए हैं, मैं तो कह रहा और भी चल जाएगी, पर अपने भाई रह गए नीचे। सो गाइस ये देख लो, ये सोलांग वैली, हम यहीं तक जा पाए, सिसु नहीं जा पाए। उसका दो मेन रीज़न है। पहला तो ये है कि हमारी जो दूसरी गाड़ी है वो है 4x2, वो रह गई है काफ़ी नीचे, तो अब हम सिसु तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और दूसरा ये है कि ऊपर अटल टनल पे इतनी ब्लॉकेज है स्नो की, तो सिसु का हमारा कैंसिल है। पर बर्फ़ हमने जितनी एक्सपेक्ट करी थी वो सोलांग में काफ़ी है। अभी आपको पूरा एक टूर दिखाएंगे। हाँ जी सर जी, सर जी गिरने से बचो। सर जी हम तो ट्रैकिंग शूज लेके आए हैं, आप देखो आप वैंस में घूम ही जा रहे हो भाई। तो देखो ये पूरी ब्लैक आइस है, यहाँ पे चलता हो बंदा फिसल रहा है। तो गाड़ी 4x2 तो, पर फिर भी ऑल्टो वाले तो ऑल्टो वाले होते हैं, वो तो निकाल ही सकते किसी ना किसी तरह। बाकी ये अब हम उनको नीचे जा रहे हैं एक बार देखने की, अगर तो टो चेन डाल के, वो दिख रही है वैसे मेरे को गाड़ी यहाँ से ऊपर ला सकें, नहीं तो उनकी गाड़ी नीचे पार्क करके यहीं पे थोड़ी देर एंजॉय करके अपने अगले डेस्टिनेशन पे जाएंगे। पर बाकी ये नज़ारे देखो गाइस, ये देखो बर्फ बर्फ बहुत है। हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि सोलांग में इतनी बर्फ़ मिलेगी हमको, तो हम इसीलिए अटल टनल जा रहे थे, बट हो गया इधर ही पूरा, बहुत है, इससे ऊपर जाने की नीड भी नहीं हमको। तो देखते हैं अब उस गाड़ी का आपको अपडेट रखते हैं कि क्या है। सो गाइस फाइनली एक्सयूवी भी ऊपर आ चुकी है, मेहनत मशक्कत करके टोचिन पाके, नहीं नहीं टोचिन नहीं डाली, ऐसे बेइज्जती नहीं करेंगे, पर ठीक है। नहीं नहीं तेरे को नहीं, उसको कह रहे खन्ना खन्ने भाई। फाइनली अपनी एक्सयूवी भी आ चुकी है ऊपर, भाई ने दिखाई आज मस्त ड्राइविंग। अब आप ऊपर जाना है, ऊपर पुलिस वाले मना कर रहे हैं भाई। चक्कर ये है कि ऊपर ना बंद कर दिया सारा सिस्टम, बर्फ यहीं पे ज्यादा पड़ गई है। अरे यहाँ पे स्नो ही देखी थी है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पूरी पूरी ब्लैक आइस है, ऊपर गाड़ी नहीं जा पा रही है। तो बट ठीक है यार, हमने बेसिकली सिसु जाना था, हमने स्नो एक्सपीरियंस करने, वो हमने इधर ही कर लिया, तो सही है। मैं आपको एक आपको पूरी स्नो दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या सिस्टम है। गाड़ी दिखा रही है -3, बट इससे ज़्यादा है। हेलो गाइस, कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ ब्लॉग ही बनाते हैं, क्या करना है, क्या करना है? बोल कैमरे में देख के शर्म आ रही? नहीं नहीं बोलना क्या, जो तेरा मन करे। हेलो बस हाँ हाँ जी देख लो, ये करेंगे व्लॉग, पहले गुदा ची होता है कैमरे के आगे आने का, क्यों भाई? सही बात है। नहीं ये देख लो भाई, इतनी स्नो पड़ी है कल यहाँ पे, ये देखो नो चांस निकल जाएगी, मतलब बहुत बहुत डिफिकल्ट निकलेगी। ले भाई भाई कहते तैयार होना, ये फोटो की जगह सुनो सुनो लगी हुई है, भाई कह रहा मैं तैयार जरूर होना एक बार। बीमार होना मंजूर है। अच्छा जी भाई व्यू देख, और ये इसको व्यू देखो। भाई ये है सोलांग का प्रॉपर, क्या कहते हैं इसको, वैली, सोलांग वैली का एक्टिविटी स्पॉट। ये है सोलांग वैली का बहुत ही फेमस स्पॉट, दिखा दे सामने, किसी ने स्कीइंग सीखनी है करनी है भाई, यहाँ पे तुटवाने हैं, यहाँ पे सारी एक्टिविटीज होती है। एक्टिविटीज तो नाम की है, अपना शरीर टुटवाने आना किसी ने तो आ जाओ, नहीं तो फोटो खींचो चिल करो। ये है भाई एक्टिविटी पॉइंट है।